अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें प्लीज़। टुडे आई विल टॉक व्हाई डू वी यूज़ शीट मास्क एंड शीट मास्क यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें इसके बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं हमारे फेस पे, और किस तरह से हमारे ये ब्राइटनिंग ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो शीट मास्क जो है हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छी इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसके हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आई हैव दिस शीट मास्क एंड मैं ये यूज़ करने वाली थी, सो मैंने सोचा कि ना वीडियो बना लूँ। सो दिस वाज एन एग शीट मास्क एंड इसका पूरा प्रोसेस लिखा होता है जो भी आप शीट मास्क लेंगे। कुछ गूगल से मैंने सर्च करी थी कि क्यों ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, आप लोग यू कैन सी कि ऑयल कंट्रोल कर सकता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी स्किन में एंटी एजिंग होता है ये और स्किन को फॉर्म करने के लिए तो होता है बहुत ज़रूरी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके अलावा शीट मास्क से हमारे जो फेस के ऊपर जो मेलेज़मा वगैरह बन रहा होता है या फिर अनइवन स्किन टोन होती है या फिर स्किन में प्रॉब्लम हो रही होती है, बहुत डलनेस हो रही होती है, तो वो भी शीट मास्क से हम सही कर सकते हैं। सो इट हैज़ वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग्स इन इट। हमारे जो जिस सोसाइटी में लाइक हम लोग रह रहे हैं दुनिया में बहुत ही पोल्यूशन है, जैसे हमारी स्किन में एंटी एजिंग हो, एजिंग का प्रॉब्लम, एक्ने का प्रॉब्लम, स्कार्स का प्रॉब्लम, डलनेस, स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हर टाइम हम लोग मास्क पहन के तो रह नहीं सकते हैं कि हर जगह मास्क पहन ही रखो, हर टाइम मास्क पहन ही रखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल लाइक दैट। तो अगर हम केयर नहीं करेंगे तो बहुत सारे हमारी स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स और एंटी एजिंग। तो उसके लिए हम मेकअप से अपनी स्किन को इतना नहीं छुपा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि हम मेकअप करके अपने ये स्किन के प्रॉब्लम, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो कहना ये चाहते हैं कि शीट मास्क जो है इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। इसका तरीका यह है कि आपने पहले फेस को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है, डबल क्लिनजिंग करनी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, देन यू कैन यूज़ योर शीट मास्क, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि आपने कितना टाइम यूज़ करना है। फर्स्ट आपने स्किन नीट होनी चाहिए, इसको मास्क को निकालना है, अपनी स्किन पर लगाना है एंड फॉर हाउ मेनी टाइम यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट फॉर 15 to 20 minutes एंड यू कैन टेक इट फॉर मोर देन दैट। ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे 15 मिनट से, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं होते, इसका कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपको उससे प्रॉब्लम हो। सो आई वाज अबाउट टू यूज़ इट और मैंने उससे पहले सोचा कि इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि मेरी स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट दे और मुझे मज़ा आ जाए। फ्रिज से निकालने के बाद मैंने इसको शीट मास्क को बाहर निकाला क्योंकि बहुत ठंडा हो चुका था और काइंड ऑफ फ्रीजिंग था, तो ठीक है उससे ये होता है कि फेस को अच्छे से कूलिंग इफेक्ट मिल रहा था और साथ में सूदिंग इफेक्ट भी था, तो दिस वाज अ कंप्लीट पैकेज है ना। तो मतलब इसको अच्छे से निकालना है, अपने निकाल के शीट जो है इसको अलग कर लेंगे, पहले इसको अपने मास्क को अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे। नाउ यू कैन सी ये शीट थी उसकी नीचे से क्या है और जो उसका बागीस है वो मेरे फेस पे है। अब इसके ऊपर इस तरह से शीट मास्क होता है एंड ये जो है ये इसलिए होता है ताकि इसमें जो है ना जो उसका सीरम वगैरह जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं शीट मास्क के वो उसके अंदर रहें, अब्जॉर्ब होकर रहें। अब यू कैन सी इन माय फिंगर्स कि कितना ज़्यादा लाइक ये टेक्सचर था बहुत ही मज़े का और ये सीरम जो था अभी भी बहुत ज़्यादा था। तो आप शीट मास्क लगाने के बाद जो बाकी का सीरम है अपने हैंड्स पर भी लगा सकते हैं लाइक मॉइस्चराइज़र, और आप इसको अपने स्किन पे भी टैप टैप कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि आप शीट मास्क जब अपने फेस पे लगा लिया है, रिलैक्स करें कम्प्लीटली अपने फेस पे लगा के अच्छे से अपनी फिंगर्स के साथ या फिर रोलर वगैरह मिलते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको अपने स्किन के ऊपर ऐसे रोल करते रहें फिंगर्स के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी फिंगर्स अपने फेस के शेप्स के अकॉर्डिंग यू नो आप उनको टैप कर सकते हैं और शीट मास्क जो है वो आपकी स्किन के साथ ही रहेगा। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं शीट मास्क में वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होंगे, आपकी स्किन की जो डलनेस है, जो ड्राइनेस है, जो एजिंग का प्रॉब्लम है या जो भी इश्यूज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ कुछ नॉर्मल लोग भी जो हम जैसे वो रोज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ हफ्ते बाद कुछ महीने बाद भी यूज़ करते हैं एंड ये
समझ लें फैशन बन चुका है या फिर ज़रूरत बन चुका है, और आई थिंक इसको यूज़ करने में कोई हर्ज भी नहीं है, कर लेना चाहिए। इवन कुछ लोग लिप्स के लिए भी शीट मास्क यूज़ करते हैं। कौन है ये लोग? लाइक शीट मास्क यूज़ करो, कहाँ से आते हैं ये? अपनी स्किन की केयर करना कोई क्राइम नहीं है, सब लोग करते हैं, ठीक। तो अगर आपकी एजिंग, आप लोग टीन एज से निकल चुके हो, आप अबव 20 हो, तो आपको शीट मास्क जो है कम से कम महीने में एक बार या फिर 2 माह में एक बार अगर आप कर सकते हैं तो आपको यूज कर लें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इसको अच्छे से अप्लाई करना है आपने अपने फेस पे, और कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करवाना है अपनी स्किन को, या आपकी फेस की पैम्परिंग समझ लें या एक ट्रीट समझ लें जो आप अपने फेस को देंगे। और इससे ये होगा कि आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी, आपकी स्किन में वो थोड़ा सा जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, और बहुत ही सूदिंग इफेक्ट हो जाएगा। इट्स काइंड ऑफ यू नो ट्रीट टू योर फेस। शीट मास्क के बाद आप अपने फेस पे लाइक यू कैन फील द डिफरेंस, आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है बहुत ही अच्छी सी हो गई है, आपकी स्किन भी आपको शाबाश देगी, इवन यू विल फील शाय। अब जब आप शीट मास्क को उतार लेंगे तो जो सीरम होगा उसके अच्छे से अपने फेस पे अब्जॉर्ब करना है। जो सीरम शीट मास्क में होगा उसके ये बेनिफिट्स होंगे कि आपकी स्किन को डल होने से बचाएगा, और आपकी जो फेस के जो अनइवन स्किन टोन है उसको बेटर करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। कुछ लोग जो है सीरम को शीट मास्क को रोज यूज करते हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो। शीट मास्क जो है वो एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, दूसरा आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, तीसरा ये ग्लोइंग एंड शाइनिंग इफेक्ट देता है फेस को, और अनइवन स्किन टोन है जो वो उसको आप सही कर सकते हैं। एंड आप अगर नहीं यूज़ करते तो आप इसको यूज़ करके देखें और आप खुद डिफरेंस फील करेंगे अपनी स्किन में विद इन फ्यू डेज। अगर आप लगातार अपनी स्किन केयर करते हैं और इसमें इसको शामिल कर लेते हैं तो आप खुद कहेंगे कुछ दिनों के बाद के भाई मज़ा आया। We